अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। आजकल नौजवान तबका डॉक्टर जाकिर नायक से बहुत मुतासर है, उनकी जहन साजी के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, उसके लिए आपको हमारी सोबत में कुछ वक्त लगाना चाहिए। और न सोए तू है फिर आखिरी इनके पास पता क्या हरबा होता है इस तरह की बातों का कि जी उन्होंने तो कलमा पढ़ाया, इतनी खिदमात है, आज के लोग उन बुजुर्गों के बर्तान कर रहे हैं। हम कहते हैं आजा आजा आजा, इसका जवाब देते हैं तुझे। डॉक्टर जाकिर नायक ने हजारों हिंदुओं को वीडियो कैमरे में कलमा पढ़ाया तो तुमने सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया डॉक्टर जाकिर नायक को? ये एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है। उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह तआला ने, मैं क्या देख क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा। और वो जी बड़ी दलीलें देता है, वो दलीलें संभाल के रखे। बड़े लोग उसके साथ होते हैं तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे। हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। कहेंगे वो ठीक है पढ़ाया लेकिन उसके अकीदे ठीक नहीं, तोड़े बाबे भी अकीदे ठीक नहीं। हाँ फिर आपको बताएंगे जी बुखारी मुस्लिम हदीस है, अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है, तो डॉक्टर जाकिर नायक से भी अगर काम लिए हम उसके अकीदों को सही नहीं मानते। सरकार हम भी आपके वो जाली 90 लाख वालों को नहीं मानते। 90 लाख तो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की आबादी नहीं थी, 90 लाख सब कॉन्टिनेंट की आबादी नहीं थी। शुक्र है कि गौरों को उर्दू नहीं आती और इनको अंग्रेजी नहीं आती, वरना वो मजाक उड़ाते हैं भाई किस सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हो। 633 हिजरी में फौत हुए हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, उस जमाने में सब कॉन्टिनेंट की आबादी नहीं थी 90 लाख। और अगर उस वक्त 90 लाख मुसलमान यहां पर होते ना तो यहां सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों की तादाद का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आज भी सिर्फ 20 से 25% मुसलमान है, 75% नॉन मुस्लिम है सब कॉन्टिनेंट में। तो ये तो आपको 90 लाख बता रहे हैं 800 साल पहले, तो उनकी औलादों को जरा मल्टीप्लाई करें कहां तक बात पहुंची होती है, सब फ्राड है, झूठ बोला हुआ है। लिहाजा ये कहना जी खिदमत है तो वो फिर ठीक है, डॉक्टर जाकिर नायक को सुल्तानुल हिंद मान लो। और अभी तो हम सुल्तानुल वर्ल्ड की तो बात ही नहीं कर रहे। मेरा नबी सा है कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह कोई नहीं, सारे बाबे उनके मानने वाले चुटकी में फारग हो गए। 1200 साल की इज्जत जो इन्होंने वेल की थी 12 सालों में मलिया मेट हो गई है। तो सुल्तानुल वर्ल्ड मान लिया मुझे आपने, इस तरह को सुल्तानुल हिंद बन जाता है या सुल्तानुल वर्ल्ड बन जाता है? तो ये कहानियां करानी छोड़े, जो क्राइटेरिया आप अपने लिए रखते हैं ना उसी क्राइटेरिया में फिर दूसरों के बुजुर्गों को भी माना करें। अदरवाइज लै जो बाबे इतों दबो इन्हों जाके बरसियां करो इन्हों। वो डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं मैं एयरपोर्ट पे उतरा ना तो एक औरत कोई प्रोफेसर थी बूढ़ी खातून, तो उसने मुझे पहचान लिया और हिंदू थी। वो दौड़ती हुई आई और मेरे घुटनों को हाथ लगा, कहती आप तो भगवान है। वो कहती मैंने कहा ओ अस्तगफिरुल्लाह तौबा तौबा, मैं कहा ऐसे को बाबा होगा ना सूफी, उन्हें गले भी ला लेना सी जनानी नो। हाँ ये मवाहिद का ही हौसला है कि उससे कोई ऊंचा करे और कहे भाई ना 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 पीछे। और ये कितनी मजेदार यूं दस्ताने पहन के चुमवाते रहते हैं, हाथ घंटों बैठे रहते हैं, नजराने बटोरते रहते हैं, जो इनके सामने ऊंचा सांध हाथ बांध के लोग खड़े होते हैं जिस तरह खुदा के सामने खड़े हुए हैं, इस तरह इनको तो मर जाना चाहिए। मैं कहता हूं जमीन फटे ये अंदर चले जाए, इनको तौहीद की आवाज ही नहीं लगी हुई है। ये कोई बुजुर्ग नहीं है जिनके आप रोब बयान करते रहे, ये शैतान के एजेंट हैं दुनिया में, ये ताहूत है। खुदा के नुमाइंदे दुनिया में वो है कि जरा सी कोई ऐसी बात होने लगे वो पीछे हट जाते हैं। ओह तौबा तौबा।